اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14, ठीक है। आज हम सूरह कौसर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, इन्ना असल में था इन्ना ना, इन्ना का माना होता है बेशक। भाई बाज़ लोग शिकायत आ रहे हैं हमें, हमारी नज़र कमज़ोर है, हमें वाइट बोर्ड पर नज़र नहीं आता। तो भाई नज़र नहीं आता तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, तो उस हिसाब से लिख लिया करें। इन्ना इसका माना क्या है? बेशक, यकीनन। ना किसे कहते हैं? हमको। ये ज़मीर पढ़ चुके हैं ना आप, इन्ना ना, असल में था इन्ना ना, बेशक हम। तो इन्ना ना को अरब लोग इन्ना भी कह देते हैं, एक नून को गायब कर देते हैं। तो पढ़ा क्या जाता है? ये इन्ना, इन्ना भी, इन्ना भी पढ़ा जाता है और इन्ना ना भी पढ़ा जाता है, दोनों। तो इन्ना असल में क्या था? इन्ना ना। अअतैना, अकरमना। बाबे इकराम पढ़ा ना आपने, इकराम का माना इकराम करना। तो इअतायुन, ये इकराम का माना क्या है? इकराम करना। इताउन असल में इताउन था, छोड़ें आप इतनी बहस में ना जाएं। इताउन अता करना। तो इकराम का माजी आता है अकरमा, इकराम किया उस एक शख्स ने गुजरे हुए जमाने में। तो इताउन का माजी क्या आएगा? आताया, आताया, अता किया उसने, अता से निकला है ना, उर्दू में इस्तेमाल होता है, अल्लाह की अता है भाई, कहते हैं ना अल्लाह की क्या है? अता है। तो आताया, अता किया उसने। अब आप गर्दान पढ़ें, जरब जरबा जरबू, जरबस जरबता जरबना, जरबता जरबतुमा जरबतुम, जरबती जरबतुमा जरबतुन्ना, जरबतु जरबना। तो आतई अकरमना, आतई ना, ठीक है ना। अकरमा अकरमा, अकरमू अकरमत, अकरमता अकरमना, अकरमता अकरमतुमा, अकरमतुम, अकरमती अकरमतुमा, अकरमतुमना, अकरमतु अकरमना, अकरमना अअतैना, अता किया हमने। बहुत आसान है अगर दिमाग इस्तेमाल किया जाए। अअतैना जैसे अकरमना, ठीक है। अता किया हमने का, वही जमीर है, हुआ हुमा हुम है हुमा हुन, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। तो ये बता चुका हूँ मैं का माना आपको। तो खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। इन्ना अअतैना का अल कौसर, कुरान सामने रखकर बैठेंगे ना तो ये सब लिखा हुआ है वहां पे। लोग मुझे शिकायत नीचे कमेंट्स में आ रहा होता है कि हमें ये लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई, कुरान सामने रखा हुआ है तो समझ में क्यों नहीं आ रहा? अजीब, समझ में आने वाली बात नहीं है ये। तो मैं फिर भी वैसे ही लिखवा रहा हूँ कि वरना तो आपके सामने जब कुरान रखा हुआ है तो आतईना भी है और अकरमना भी हमने पूरा लिखवाया था आपको, अकरमा। तो वो तो अब हर चीज़ बच्चों की तरह थोड़ी एक एक चीज़ लिखवाई जाएगी, आप खोपड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। आतईना कल कौसर, कौसर कहते हैं, कौसर के दो मतलब आते हैं। एक हौज़ कौसर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अता की जाएगी और आप उसके पानी से उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, और हदीस में आता है जो वो पानी पी लेगा क़यामत तक उसको प्यास, सॉरी क़यामत कह रहा हूँ, कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगी। क़यामत तो आ चुकी होगी ना, क़यामत तक थोड़ी। और कौसर खैर कसीर को भी कहते हैं, खैर, कोई भी बहुत बड़ी खैर हो उसको भी कौसर कहते हैं। तो दोनों तफसीरें। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली, ये मज़ेदार है, फसल्ली। फा अलग लफ्ज़ है, फा का माना तो, सल्ली क्या है असल में ये समझें। सल्ली ये क्या है? बाबे तफ़ईल आपने पढ़ा था ना, तस्बीह,
तस्बीह, इसका माजी क्या आता है? सब्बहा। मुजारे क्या आता है? युसब्बिहु। अमर क्या आएगा? अमर बनाने का तरीका क्या था? यहां से या को गिडिश किया और आखिर हफ को क्या कर दिया? बोलो भाई, साकिन। तो क्या बन गया? सब्बिह। या को हजफ किया, पहला हर्फ चूंकि जबर है, पहले पे जजम नहीं है, इसलिए शुरू में अलिफ लाने की जरूरत नहीं है, तो ये बनता है सब्बिह। ये ऑर्डर का सीगा, इसका मतलब क्या है? तस्बीह बयान करें। कुरान में था ना फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तो सल्ला भी ऐसे ही था, असल में था सल्लाया, सल्लाया, इसको पढ़ा जाता है सल्ला। सल्ला का माना होता है नमाज पढ़ना। सल्लाया, नमाज पढ़ी उसे शख्स ने। मुजारे आएगा युसल्लियु। युसल्लियु जिसको पढ़ा जाता है युसल्ली। ये या आ रहा है ना, वाव अलिफ और या हुरूफ गड़बड़ियां है ना, तो ये चेंज हो जाते हैं, तो ये पढ़ा जाता है युसल्ली। क्या पढ़ा जाता है? युसल्ली, यानी वो नमाज पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। इसका माना दुआ मांगना भी आता है। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यजरिबूना की तरह, युसल्लूना युसब्बिहूना, वो सब सलात भेजते हैं नबी पर। युसल्ली। अब अमर कैसे बनेगा? इस या को क्या कर देंगे? हजफ कर देंगे, गिडिच कर देंगे। हजफ को उर्दू में गिडिच कहते हैं। यू सल्ली, ठीक है ना, तो सल्ली भी यू सल्ली भी एक ही बात है। इस ता को गिराया तो क्या बन गया? सल्ली। आखिरी हर्फ को क्या करते हैं? साकिन करना चाहिए ना, जैसे युसब्बिहु में सब्बिह, तो सल्ली में आखिरी हर्फ को देखा ये पहले से ही साकिन है, तो अब हमें तो करना है कुछ ना कुछ, बस हमें है, हमने साकिन करना है, अमर बना रहे हम, तो हमने क्या यार जो साकिन है ना, अब इसको मजीद साकिन करने तो कर नहीं सकते, इसको उड़ा ही दो। और वैसे भी हरूफ गड़बड़ी है ना, वाव अलिफ या वाविल हरूफ है, तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, तो क्या कर दिया? सल्ली। तो ये अमर में ये आखिरी हर्फ में अगर ये या रहा होता है ना, तो इसको गायब ही कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो सल्ली अमर का सीगा है, बस ये ज़हन में रखें। बाबे तफ़ईल है तस्बीह की तरह। सल्ली, सल्ली का माना नमाज पढ़ो। तभी कहते हैं ना सल्लू अल हबीब। ये सल्लू अल हबीब क्या है? ये आपको ग्रीन चैनल में मिलेगा, सल्लू अल हबीब, असल में था सल्ली यू। अब ये ग्रीन चैनल वालों को ये बात का पता नहीं है कि नहीं है कि असल में क्या था। सल्ली यू अल हबीब था असल में, सब्बिहू की तरह, जैसे सब्बिह। अभी मैंने आपको बताया इसका माना है तस्बीह बयान कर, तू एक आदमी, सब्बिहा तुम दोनों, सब्बिहू तुम सब तस्बीह बयान करो, तो असल में था सल्ली यू अल हबीब। लेकिन या आ रहा है हुरूफ गड़बड़ी है, तो सल्ली यू में घुमाना था, उन्होंने सल्लू हो गया, क्या बना दिया इसको? सल्लू। सल्लू अल हबीब। सल्लू का मतलब सलात भेजो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये समझ में आ गया, फसल्ली, फसल्ली ली रब्बी का। फसल्ली का माना नमाज पढ़ें आप, ली ली का माना लिए, रब का माना रब, रब्बी का आपका रब, नमाज पढ़िए आप अपने रब के लिए। वन हर, वाव का माना और, इन हर था असल में, इस मा की तरह, इफ्ताह की तरह, फताहा यफ्ताहू, तो नहरा यनहरू, जरबा की तरह है। नहर का माना होता है ऊंट जबह करना, ऊंट को जो गले में चाकू मार के गिराते हैं उसको क्या कहते हैं अरबी में? नहर। तो वन असल में था व इन हर, पढ़ा जाता है मिला के वन हर, तो अलिफ साइलेंट हो जाता है, वन हर। फसल्ली, आप नमाज पढ़े, ली रब्बी का अपने रब के लिए, वन हर और कुर्बानी करें आप। लिखा हुआ तो है ऊंट की कुर्बानी, मगर मुराद उससे हर किस्म की कुर्बानी है।
فصلی لربک وانحر, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا بھائی اب اس کی ہم تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اوہ سوری پوری آیت ہی چھوڑ دی ہم نے. ان شانی اکا ہوا لبتر, جزاک اللہ. ان بے شک شانی ا, یہ جو شانی ا ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے دشمن. شانی ا کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. کا معنی آپ کا. ان شانی ا کا, بے شک آپ کا دشمن. ہو الابتر, وہ دشمن کیا ہے؟ ہوا کا معنی وہ, الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, جس کی دم کٹ گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا ہے؟ نام و نشان باقی نہ رہے. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ابتر جس کا نام و نشان باقی نہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے, یار میری تو حالت ابتر کر دی ہے اس نے, کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا بہرحال ہے. ابتر بہت بری حالت ہو گئی ہے, یعنی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر میں لکھ دیتا ہوں, دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, وہ جس کا نشان باقی نہ رہے, نسل باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, افعال کے وزن پر صیغہ صفت ہے. چھوڑیں صیغہ صفت کو, کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. ابتر بس کہتے ہیں, بس کس کو کہتے ہیں؟ ہے تو صیغہ صفت افعال, جیسے اعما, اسممو, ہاں عیب کے معنی میں, اور اعور جیسے میں نے مثالیں دی تھیں, اس کی مونس آتی ہے بترا. اچھا خیر, تو ان نشانی کا ہوا لبتر قرآن کی مختصر ترین صورت. تو ہم آگے قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں, پھر دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے اصل میں؟ قل بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں, اصل میں تھا قوالا. قوالا یقبلو, قوالا یقبلو, جیسے نصارا ینصرو, نصارا ماضی, ینصرو مضارے. واو حروف گڑبڑی ہے. قوالا کو قالا پڑھتے ہیں, یقبلو کو یقولو پڑھتے ہیں. یقولو کو کیا پڑھتے ہیں؟ یقولو. وہ کہتا ہے یا کہے گا. جب امر بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس یا کو گرا دیتے ہیں, مارکیٹ سے کیا کر دیتے ہیں؟ شارٹ. یہ بن گیا قولو. کیا بن گیا؟ قولو. صاف کر کے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ موٹا موٹا. قولو بن گیا. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کرتے ہیں, بن گیا قول. شروع میں الف لے کر آتے ہیں, اگر پہلا حرف ساکن ہو, نہیں ہو تو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ قول. اس کا معنی ہے کہو, ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے, کہہ. اب قول اتنا لمبا ہے اور یہ ہے بھی واو گڑبڑی حرف ہے, تو عرب نے اس کو بنا کیا دیا قل. اب قول کون بولے گا بھائی؟ اتنی دیر اس کے بات کرنے میں نہیں لگی جتنی دیر آپ کو اس کے کہنے میں لگ رہی ہے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات کریں, اور بات کرنے کا لفظ اتنا لمبا میں نے کھینچ دیا کہ آپ کے اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایسے ہی ہے نا, کہ آپ نے جتنی دیر میں مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے تو میرے بات کرنے کا ٹائم بھی آپ پی گئے ہیں. تو اگر آپ بولیں نا قول, وہ کہے گا قول کچھ کہنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا, میٹنگ کا ٹائم, آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے عربوں نے کیا کیا؟ قول کو شارٹ کر کے کیا کر دیا, اور بہت اچھا کام کیا. صحیح ہے نا, بالکل مناسب کام کیا. جب قول قل سے بات بن رہی ہے تو قول کہنے کی ضرورت
क्या है, तो उन्होंने कुल को बना दिया कुल। ये अरबी अहले लुगत की बात कर रहा हूँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब थे ना, जबान तो खुद ही नेचुरल उसमें बन जाती है ना, तो ये बन गया कुल। कुल का माना कहे, ठीक है ना, कौल से निकला है, कौल उर्दू में इस्तेमाल होता है, बात को कहते हैं। दो बंदों को बोलेंगे तो कूला, कूलू, कूली, ठीक है ना। अच्छा, कुल कह दें, या का माना क्या है, ऐ उर्दू में इस्तेमाल होता है, या अल्लाह हम कहते हैं ना, या अल्लाह, ए अल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून, अय्युहा, ये अय्युहा का लफ्ज बहुत इस्तेमाल हुआ है। अय्यू का मतलब होता है, ये सिर्फ यूं समझ लें कि एक तंबीह के लिए लगाया जाता है, जैसे हम कहते हैं अरे, और हा का माना भी एक तंबीह, हा यानी इधर मुतवज्जे हो जाओ। तो अब इतनी गहराई में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस अय्युहा का मतलब क्या, अरे ओ, अरे ओ, अरे भाई, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, तो अरे भी कर सकते हैं इसका तर्जुमा, लियारी की जबान में अड़े, ठीक है ना, अड़े कहते हैं उसे हमारे यहाँ, अरे भी। अय्युहा का माना ओ, ए या का माना ए, अय्युहा का माना ओ, ए ओ अल काफिरून, ए ओ काफिरों, काफिरून कौन सा सीगा है, काफिर की जमा है, कफारा यकफुरू, नसारा यनसुरू, इसमें फाइल आता है जारिबुन तो इसका आएगा काफिरुन, जमा आता है जारिबुना तो इसका आएगा काफिरुना, ए काफिरो। नहीं आ रही बात समझ में, तो रहने दें भाई। खुलिया अयुल काफिरून, ए काफिरो, ये उनसे खिताब है। ला आबुदू, आबुदू अनसुरू की तरह, अनसुरू मैं मदद करता हूं, आबुदू मैं इबादत करता हूं, ला आबुदू मैं इबादत नहीं करता, ला आबुदू मा, ये जो मा है ना इसके बहुत सारे माने आते हैं। एक माना इसका अल्लदी वाला भी आता है, अल्लदी का माना वो जो के, तो मां का माना भी वो जो के, ठीक है, ये नोट कर ले, मां का माना बहुत दफा क्या आता है, अल्लदी, जो अल्लदी का माना है वही मां का माना। ला आबुदू मां, मैं नहीं इबादत करता उसकी जो के, मैं इबादत नहीं करता मां उसकी जो के, यानी उसकी जो के, या हु इंग्लिश में है ना हु, या हुम, ये बिल्कुल वही माना अदा कर रहा है, ठीक है ना। मैं इबादत नहीं करता मां उसकी, ताबुदून, ताबुदून तनसुरूना की तरह, तनसुरु तुम मदद करते हो, तनसुरु तनसुरानी तनसुरूना तुम सब मदद करते हो, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, मतलब क्या हो, मैं इबादत नहीं करता मां उसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो जिसकी, बहुत आसान, मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसकी इबादत तुम करते हो। वला, वाव का माना और, ला का माना नहीं, अंतुम का माना अंतुम, मैंने बताया था ना अंटी और अंतुम का फर्क बताया था, अंतुम, आबिदूना जारिबूना की तरह, काफिरूना की तरह, कातिलूना की तरह, कातिल कत्ल करने वाला, कातिलून बहुत सारे, तो आबिद इबादत करने वाला, आबिदूना बहुत सारे इबादत करने वाले, तो वला अंतुम और नहीं हो तुम भी, आबिदूना इबादत करने वाले, क्योंकि अंतुम बहुत सारे होते हैं ना, तुम सबको खिताब है, तो आबिद के बजाय आबिदूना, वला अंतुम आबिदूना और तुम इबादत करने वाले नहीं हो, इसमें फाइल है ये, वला अंतुम आबिदूना मा उसकी, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद और तुम इबादत करने वाले नहीं हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं। वला अना आबिदुम मा आबदतुम, वला अना और नाहु, अना अरबी में कहते हैं मैं, अना नाहनु बताया था ना, वला अना आबिदुन, ये इसमें फाइल है, और ना मैं इबादत करने वाला हूं, वला अना आबिदुम मा उस जात की, आबदतुम, अबद तुम था असल में, पढ़ते अबद तुम है, जरब तुम की तरह, नसर तुम,
भाई देखो ना, जरबा जरबा जरबू, जरबा जरबता जरबना, जरबता जरबतुमा, जरबतुम। तुम सब मारते हो अबद, तुम सब इबादत करते हो। वला अना आबिदुन, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूँ, माँ उस माबूद की, अबद तुम जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर दोबारा तकरार किया इसी मजमून का, वला अंतुम आबिदुना माँ आबुद, यही आयत दोबारा आई है, और ना तुम इबादत करने वाले हो माँ उस जात की आबुद जिसकी इबादत मैं करता हूँ। लकुम, लाम का माना लिए, कुम का माना तुम्हारे, लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए दीनुकुम तुम्हारा दीन, व लिया, वाव का माना और, व लिया या का माना मैं, जरा बनी था ना या आ रहा था, व लिया और मेरे लिए, लकुम दीनुकुम व लिया दीन, और मेरे लिए एक दीन है। ये तो तर्जमा बता रहा हूं ना, लकुम दीनुकुम तुम्हारे तुम्हारा दीन, वली या दीन, और मेरे लिए भी एक दीन है। एक का तर्जमा तनवीन से कर रहा हूं, जब भी दो जबर दो से दो पेश आता है ना तो उसका माना कोई या एक लगता है, समझ में आ गया ठीक है, नहीं है तो ज्यादा पेचीदगियों में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस लकुम दीनुकुम वली या दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए दीन, एक अलग दीन है मेरे लिए। तो ये सूरह कौसर और सूरह काफिरून, कितना टाइम बाकी है भाई, 19 मिनट बाकी है अभी। तो सूरह कौसर और सूरह काफिरून का मैंने आपको जो ग्रामर के लिहाज से हल कर दिया, अब हम आगे इसकी तफसीर पढ़ते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह इसकी तफसीर पढ़ेंगे। पहले सूरह कौसर हमने पढ़ी है। कौसर अरबी में खैर कसीर को कहते हैं। इस सूरत का एक शान नुजूल है। शान नुजूल इसका यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी, तो बहुत सौ ने कबूल की, बहुत सौ ने इनकार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन पैदा हो गए। अरब में नरीना औलाद को एक बहुत बड़ा तोहफा समझा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरीना औलाद नहीं थी, आपके बेटे पैदा हुए कासिम और उनका इंतकाल हो गया। तो इस पे जो है ना मुशरिकीन मक्का ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो ये तो अबतर है माज़ अल्लाह, यानी इनकी तो नस्ल ही ख़त्म हो रही है, इनका तो असर ही ख़त्म हो जाएगा, और जो दीन ये लेकर आए हैं इनके दुनिया से जाने के बाद वो दीन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बाप के जाने के बाद बेटे जो है वो कायम मकाम बनता है और वो उसी विज़न को लेके आगे चलता है। तो इनको यहाँ वैसे भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं मक्का में, और इनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं है, यानी नरीना औलाद भी नहीं है, क्योंकि नस्ल तो नरीना औलाद से चलती है। तो इसलिए जो है ना ये अबतर है माज़ अल्लाह, अबतर का माना इनका नामो निशान ख़त्म होने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, आपको ये ताने सुन के गम होता था, इंसान को भारल होता है जब कोई उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये आयात नाजिल फरमाई। आस इब्ने वाइल एक बहुत इस्लाम दुश्मन था, अरब का सरदार था, उसने ये प्रोपेगेंडा बहुत किया था। तो इस पर सूरह कौसर नाजिल हुई। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कसीर दी है। खैर कसीर से मुराद आपको जो हमने इस्लाम दिया है वो इतनी बड़ी खैर है कि अगर आपके कोई नरीना औलाद नहीं भी है तो उसके मुकाबले में अल्लाह ने आपको जो दीन दे दिया इसकी दीनी दुनिया की बरकतें भी हासिल होंगी और आखिरत में भी। तो ये खैर कसीर के होते हुए अगर आपके नरीना औलाद नहीं होती तो आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तफसीर के मुताबिक हमने आपको हौज़ कौसर दी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, जब लोग प्यास से बिलक रहे होंगे तो ये आपकी खसूसियत है कि उस वक्त अल्लाह ने आपको एक नहर आपके इख्तियार में दी होगी जिससे आप अपने चाहने वालों को पानी पिलाएंगे और फिर हमेशा के लिए उनकी प्यास बुझ जाएगी। तो जिसको इतनी बड़ी नहर मिली हो, इतना उसको इज्जत मिल रही हो आखिरत में, तो उसको ऐसी शख्सियत को कि अगर नरीना औलाद नहीं होती तो वो ये गम कोई गम नहीं है उनके लिए। तो ये दो खुशखबरियाँ दी गई। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता की है। अब चूंकि अल्लाह ने एक नेमत की है तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप पर भी शुक्र वाजिब है। वो शुक्र क्या है? फ़सल्ली लिरब्बी का, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए, वनहर और क़ुरबानी कीजिए। दो काम आप करेंगे नमाज और क़ुरबानी तो इसका सिला अल्लाह आपको क्या अता फरमाएगा। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, आपका दुश्मन आपको ताने दे रहा है कि आप अबतर हैं, आपकी नस्ल ख़त्म होने वाली है। तो हम आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि आप दीन पर मजबूती से कायम रहिए, आपके दुश्मन की नस्ल ख़त्म होने वाली है। तो इनके जिस्मानी बेटे तो होंगे, रूहानी औलाद नहीं होगी इनके, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इनके दर्जनों बच्चे होके भी इनका नामो निशान मिट जाएगा। बाप देखें, अरब के बहुत औलाद हुआ करती थी
लेकिन आज उन अरब के सरदारों का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है, ना अबू जहल को पूछा जाता है, ना अबू लहब को, ना आसिब ने वाइल को। तारीख में उनका तस्करा एक बुरे उनवान से, बुरे नाम से किया जाता है, कोई उनको इज्जत देने वाला नहीं। हत्ता कि उनकी औलादें भी आगे जाके मुसलमान हो गई, उन्होंने भी अपने बाप दादा का जिक्र छोड़ दिया। तो ये इस सूरत में अल्लाह ताला का इरशाद है। अच्छा, अब इसमें जो कुछ इल्मी बातें हैं, नंबर एक कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी पर कोई इनाम किया हो, एहसान किया हो, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसका तुम शुक्र अदा करो। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में ख़िताब किया गया कि हमने आपको जब कौसर अता की है तो आप अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा आप पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। पहली बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि शुक्र अदा करने का तरीक़ा हमेशा से वही होगा जो इस सूरत में बयान किया है, एक नमाज और एक कुर्बानी। नमाज हमेशा याद रखें कि लेबल है जिस्मानी इबादत का, और कुर्बानी लेबल है माली इबादत का। क्योंकि जब आप जानवर, अरब में ऊँट जो है ना, ये बहुत कीमती माल था, तो इतने कीमती माल को काट देना ये बहुत बड़ी कुर्बानी समझी जाती थी। तो मतलब क्या है कि आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने जिस्म को भी खपाना है, जैसे कि नमाज में खपाया जाता है, और अपने माल को भी कुर्बान करना है, जैसे कि कुर्बानी में किया जाता है। तो मुराद सिर्फ नमाज और कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये एक लेबल है। और कुरान का ये तरीक़ा रहा है कि वो जुज़ियात के ज़िमन में उसूल और कायदे बयान करता है, मिसालों से पूरा एक जो है ना लॉ बयान करता है, कानून बयान करता है। तो यहाँ भी ये कानून बयान किया जा रहा है कि शुक्र का दो तरीक़े हैं, एक जिस्मानी इबादत भी और माली इबादत भी। माल भी खर्च करना है और जो है जिस्मानी इबादत भी करनी है। अब तमाम जिस्मानी इबादतें इसमें आ गई, क्योंकि नमाज सबसे अहम है, इसलिए अल्लाह ने उसको जिक्र किया। इसमें रोज़ा भी आ गया, इसमें हज भी आ गया, और इसमें जो कुछ भी हम अल्लाह के लिए अपने जिस्म को खपाते हैं सब कुछ आ गया। और माल में तमाम माली इबादतें आ गई, ज़कात भी आ गया, फितराना भी आ गया, और अल्लाह की मखलूक को खुश, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना, यानी हर वो इबादत जिसमें कुर्बानी का उनसर हो। तो कुर्बानी यानी माली कुर्बानी का उनसर हो, तो माली कुर्बानी जो है वो गरीबों को खाना खिला के भी हासिल होती है, रिश्तेदारों पर खर्च करना और ज़रूरतमंद को कर्ज़ा देना, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हैं। तो ये भी इस आयत सूरत से हमें पता चलता है। और ये तो दूसरी बात हुई। और तीसरा जो सबक हमें इस सूरत से मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप अल्लाह के अहकाम को फॉलो करते हैं, तो रूहानी नस्ल बहरहाल आपकी ही बढ़ती है। और अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो आपकी औलाद भी आपको भूल जाती है। जैसे कि औलादें तो मिली मुशरिकीन मक्का को, मगर कोई उनको याद नहीं रखता। तो आज भी हम देखते हैं कि दीनदारों में ये चीज़ नज़र आती है, उनकी औलादें वालदैन के मरने के बाद मौत तक उनके लिए दुआएं करती हैं, मौत तक सदक़ा खैरात करती रहती हैं। फिर आगे नस्लें पैदा होती हैं, वो भी अपने बाप दादा के लिए मगफ़रत की दुआएं मांगते रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा नाम निहाद लिबरल लोग हैं, वो अपनी औलादों पे बड़ा खर्च करते हैं, मगर हम देखते हैं कि जब उनके वालदैन का इंतकाल होता है तो औलादें चंद दिनों में उनको भूल जाती हैं। जितना दीन सिखाया होगा आपकी औलाद आपको उतना ही याद रखेगी, और आपकी नस्लें आपको उतना ही याद रखेंगी। और जितना आपने अपनी औलाद को दीन से दूर किया होगा, तो आपकी औलाद विरासत तो दबा के लेगी, आपसे सारे फ़ायदे उठाएगी, मगर आपको याद नहीं रखेगी। तो ये सूरत में हमें सबक मिलता है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। उसके बाद सूरह काफिरून है। सूरह काफिरून में कभी एक शान नज़ूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में। ये सारी सूरतें जो है ना 30वें पारे में, ज़्यादातर सूरतें इसमें मक्का में नाजिल हुई हैं इब्तदाए इस्लाम में। तो मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप तो अपनी दावत से बाज आते नहीं हैं, आप बार बार हमें कहते हैं कि बुतों की इबादत छोड़ दो, बुतों की छोड़ दो, और हम आपको कहते हैं कि आप हमारे दीन पे आ जाएं। तो ऐसा करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो आप हमारे बुतों की इबादत कर लिया करें कभी कभार, और हम कभी कभार आपके अल्लाह की इबादत कर लिया करेंगे। तो इस तरह जोड़ के चलेंगे, हमारे वाले माबूद भी खुश हो जाएंगे और आपका अल्लाह भी खुश हो जाएगा। तो इस पे ये सूरत नाजिल हुई और उनको ये बताया गया कि तुम अभी तक इस्लाम को समझे ही नहीं हो। इस्लाम का जो कुछ दावत है वो ये है कि ये बुत अल्लाह के साथ इबादत में शिरकत के लायक, इस्लाम तो शिरकत की नफ़ी कर रहा है। शिरकत का मतलब अल्लाह के साथ गैरुल्लाह की इबादत, यानी अल्लाह की भी और गैरुल्लाह की भी, ये नहीं होगा। इस्लाम का दावा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। तो मैं अगर अल्लाह के साथ इनकी इबादत कर लूँ तो मेरा तो फिर, मैं तो अपने दावे में ही झूठा हो गया, तो इस्लाम की दावत तो फिर ख़त्म हो गई। तो अल्लाह के साथ इन माबूदों की इबादत कर ली तो ये क्या, ये कौन सा कमाल कर दिया। तो ये तौहीद जो है ना, अकीदा तौहीद, ये इस सूरत का, जिसे कहते हैं ना सेंट्रल आइडिया, ये सूरत का जो असल पैगाम है वो ये है
کیا اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا، اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی اللہ کی عبادت، تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا، لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے، تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے۔ تو یہ سورت کا مضمون ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اس معبود کی، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کے لیے، تو نبی ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں؟ وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ، تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم کون سا عبادت کرنے والے ہو؟ اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو، تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں، ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے کہ ولا انا عابدم ما عبدتم، نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عبد، یعنی اسی مضمون کو تکرار کیا گیا۔ قرآن میں ایسا ہے کہ ایک آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہو تاکید کے لیے، جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں، پھر دو دفعہ کہتے ہیں، پھر تین دفعہ کہتے ہیں، تو یہ عرب کا ایک دستور تھا، اس طرح سے بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو نہ فی الحال ایسا ممکن ہے، نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر، اس کو کہتے ہیں متارکت، کہ جب کوئی ہٹ دھرم ہو اور بات نہ مان رہا ہو تو جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کو فالو کرو، ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہمیں تنگ مت کرو، ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو اس صورت کی جو بیسک تفسیر تھی وہ میں نے بیان کی ہے۔ اس صورت میں جو علمی نکات ہیں، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں کافر کو بھی کافر کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں کہتے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی اے کافرو۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکے دار کسی کو ہم کافر کہیں، لہذا قادیانی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ کافر ہیں تو صحیح لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی ٹھیکے دار نہیں ہیں۔ تو بے شک ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا، جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اللہ نے تو جب کہہ دیا کافر تو پھر تو مہر لگ گئی نا کہ یہ کافر ہے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے انسان اسلام میں باقی رہتا ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو معیار ہمارے پاس آ گیا، اس معیار میں ہم ڈھال کے لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں، اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اللہ اس کے رسول کے کہنے ہی سے وہ کافر ہے۔ تو جب کافر ہے تو اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہو وہ کافر مانے تو ہم، لیکن پابندی ہے کہہ نہیں سکتے ہم۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ثبوت بھی دے دیے کہ بھائی اس کا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور سب کچھ بتا دیا، آپ نے کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں اس کو بیمار کہنے پر پابندی لگائی ہے، تو بھائی اور ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بیمار کہیں، بھائی ہم نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر کا تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ چیک کر کے بتائے۔ تو کافر قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی ہے، تو جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دے دیا ہو اس کو کافر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں مصلحتاً کوئی کافر نہ کہے، اس لیے کہ دین کے جب آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ قریب ہو، جیسے قرآن نے اہل کتاب کو اہل کتاب کہا،
क्योंकि अहले किताब के लफ्ज़ में एक किस्म की इज्जत है, तो जब आप उसको इज्जत देंगे तो वो दीन के करीब आएगा। तो इस नीयत से अगर कोई वक्ती तौर पर किसी काफिर को काफिर नहीं कहता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है दीन के करीब लाने के लिए, लेकिन अलल इतलाक पाबंदी लगा देना कि कादियानियों को काफिर नहीं कहा जाएगा और फलां को काफिर नहीं कहा जाएगा, तो वो जो काफिर है वो तो काफिर ही कहा जाएगा उसको। तो ये खामखा की अफलातूनी और एक अजीब सी मंतिक है। तो कुरान ने भी काफिर कहा और नबी को भी कहा कि ए नबी आप यूं कह दिए ए काफिरों, काफिर का माना इनकार करने वाला, ए इनकार करने वालों, ए अल्लाह उसके रसूल का इनकार करने वालों। तो ला आबुदू मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। तो पहला इनमी नुक्ता क्या पता चला कि किसी काफिर को काफिर कह सकते हैं बशर्ते कि मसलहत के ख़िलाफ़ ना हो। दूसरा इल्मी नुक्ता हमें ये पता चला कि जब आप किसी को भी दीन की दावत की तरफ लेकर आएं तो एक हद तक मेहनत करें, और जब आप नाउम्मीद हो जाएं असबाब की दुनिया में तो फिर आप बरात का ऐलान कर दें। यानी ये हर काफिर के बारे में नहीं है, ये सूरत तो उन काफिरों के बारे में नाजिल हुई ना जो हर धर्म थे, ज़िद्दी थे, ईमान लाने के लिए किसी कीमत पर तैयार ही नहीं थे। तो एक स्टेप ऐसा आता है कि उसमें आपको ये कहने की इजाज़त है कि भाई हम तुमसे बरी हैं, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, क्योंकि अब हमें तुम्हारे अंदाज से और तुम्हारे अमल से पता चल गया, एक अंदाज़ा हो गया कि तुम हमारे दीन को फॉलो करने वाले नहीं हो। तो अब ऐसी सूरत में बजाय इसके कि आप दोबारा फिर उनसे चिपके रहें, उसका नुकसान ये होता है कि बुरे माहौल का आप पे भी असर पड़ता है, तो उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। भाई अगर आपको इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो जैसे आप जो समझ में आ रहा है फिर उस पर करो, अल्लाह आखिरत में खुद ही फैसला कर देगा। तो चूंकि याद रखो इस सूरत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि लकुम दीनुकुम वली दीन, क्योंकि मेरा एक ईसाई से मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरा तो नहीं बहस हो रही थी, तो ईसाई ने कहा आपके तो कुरान में खुद लिखा हुआ है लकुम दीनुकुम वली दीन, मुसलमानों के लिए इस्लाम है और हमारे लिए हमारा दीन, तो हमारे लिए ईसाइयत है, तो हमें ईसाइयत पर ही अल्लाह बख्श देगा। मैंने कहा इस आयत का ये मतलब नहीं है भाई, इस आयत का मतलब ये है कि तुमने बात तो माननी नहीं है, तो दुनिया में हम तुमसे बरात का ऐलान करते हैं और हम तुमको छेड़ेंगे नहीं, तुम अगर इसी दीन को फॉलो करते हो तो करते रहो, अल्लाह खुद ही क़यामत में हशर जो है ना वो तुम्हारा कर देगा और अल्लाह खुद ही इंतकाम ले लेगा। क्योंकि अल-क़ुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह की नज़र में सिर्फ इस्लाम है। और एक और जगह फरमाया वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को फॉलो करेगा हरगिज़ क़यामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारे वालों में से होगा। तो अल्लाह जब एक जगह वाज़े लफ्ज़ों में फरमा रहे हैं कि इस्लाम के अलावा कोई दीन काबिल कबूल नहीं है, तो अल्लाह कैसे परमिशन दे सकते हैं लकुम दीन हुकुम के तुम जिस दीन को फॉलो करते रहो, तो कोई फॉलो करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ बताना ये मकसद है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानते तो दुनिया में तुम उसी दीन को फॉलो करो, हम ज़बरदस्ती अपना दीन तुम पर मुसल्लत नहीं करेंगे, हम ज़बरदस्ती तुमसे बहस मुबाहसा करके तुम्हें ज़बरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये मतलब है। और इसी मफहूम की आयत सूरह आले इमरान में ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय, ज़बरदस्ती ना होने की अल्लाह ने वजह भी बयान कर दी कि सही रास्ता रुश्द वाला रास्ता वो गई यानी गुमराही वाले रास्ते से बिल्कुल वाज़े है। यानी अल्लाह ने सही जो रास्ता है ना वो दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह से अल्लाह ने सबके सामने वाज़े कर दिया है। तो जब अल्लाह ने इस्लाम को इतना वाज़े कर दिया, हिदायत के रास्ते को इतना वाज़े कर दिया, तो ज़बरदस्ती लाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज़बरदस्ती आएगा वो चलेगा थोड़ी ज़बरदस्ती, वो हुज्जत तमाम हो चुकी है, सबको पता चल गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये तमाम आयतों को आप मिलाते हैं तो साफ पता चलता है कि लकुम दीनुकुम वली दीन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम अपने दीन को फॉलो करो, तुम्हें इजाज़त है, ना 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 ना, दुनिया में इजाज़त है, आखिरत में सज़ा मिलेगी। और तीसरा नुक्ता इस आयत से हमें ये भी पता चलता है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। दो मैंने इल्मी नुक्ते बयान कर दिए ना, पहला कि काफिर को काफिर कहना जायज़ है, दूसरा क्या है कि जब आपको नाउम्मीद हो जाएँ किसी की दावत पर तो उस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय किसी और काम में इंसान को किसी और को दावत देनी चाहिए। बाद लोग एक ही आदमी के पीछे पड़े रहते हैं, एक ही फ़िरके के पीछे पड़े रहते हैं सारी ज़िंदगी, भाई नहीं सही आ रहा तो अपनी सलाहियतों को किसी और जगह खर्च करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें हिदायत का जज्बा है, तो उन पे अपनी सलाहियतों को खर्च करो, वो हिदायत ले आएंगे। तो हर धर्म लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो ये दूसरा नुक्ता हुआ। तीसरा इल्मी नुक्ता क्या हुआ कि एक इंतहा के बाद तीसरा इल्मी नुक्ता यह हुआ कि लकुम दीनुकुम वली दीन में
اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. تو اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو کہیں تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ لازمی اس کو واپس دین کی جو ہے نا اسلام میں داخل کیا جائے. البتہ کوئی مسلمان ہو پہلے سے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے تو پھر حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس غیر اسلام پہ باقی رہنے دے, کیونکہ اس کو پھر محاربہ سمجھا گیا ہے, اعلان جنگ سمجھا گیا ہے, کیونکہ اس نے اسلام کے محاسن اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اس کا عذر پھر چھوٹا نہیں ہے. کیونکہ اس طرح اگر لوگ جائیں گے تو پھر یہ اس سے جو ہے نا اسلام کو شدید نقصان پہنچتا ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, داخل ہونے کے بعد واپسی کا آپشن اسلام نے نہیں رکھا. تو آپ سوچ سمجھ کے آئیں, نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں, آخرت میں اللہ آپ سے خود ہی انتقام لے گا, لیکن آ گئے ریورس نہیں ہو سکتے, اس کی اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. تو یہ اس صورت کا مین خلاصہ تھا, برات کا اعلان. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.